शौरी, शौरी सुन तो। हेलो मिस्टर बिजी बिजनेसमैन, कहाँ खोए रहते हो? माँ की आवाज भी सुनाई नहीं दी, बात क्या है? कुछ नहीं माँ, बस कुछ है ऐसे लोग, ज्यादा इंपॉर्टेंस दो ना तो सर पे चढ़ जाते हैं। सब ठीक है ना शौरी? हुआ क्या है आज? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। आप बताइए क्या हुआ? जब घर आते हैं तो डोर मैट पे पैर साफ करके आते हैं ताकि बाहर की गंदगी बाहर ही रह जाए। ऐसे ही तो अपना दिल भी साफ करके आया कर। जब तो ये ऑफिस का गुस्सा घर लेकर आता है ना, तो तेरे साथ साथ मेरा भी मूड बहुत अपसेट हो जाता है। सॉरी माँ, बस कुछ ऐसे ही चल रहा था माँ दिमाग में। लो निकाल दिया सारा गुस्सा। हाँ मेरी माँ, बताओ क्या करे आपका बेटा आपके लिए? तीर्थ लेके जाए या शॉपिंग? शादी? मेरी एक फ्रेंड है सुधा, यूएस में रहती है, नेक्स्ट वीक वो इंडिया आ रही है, तो करूँ बात उससे? उम्र को ज्यादा नहीं है आपकी सुधा आंटी की? बात मत टाल, मैं सुधा की बेटी की बात कर रही हूँ, निकिता। मिलेगा उससे? नो वे माँ, नहीं कर रही मुझे शादी। ये लड़कियां ना बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं, इनके लिए जान भी दे दो ना तब भी एहसान नहीं मानेंगे। इनका बस चले ना तो दिमाग में स्टॉल लगा के पूरा खून चूस ले और उसके बाद डकार भी ना ले। इसी से झगड़ा हुआ है तेरा आज? मेरा झगड़ा? मेरा झगड़ा किससे होगा? मैं किसी गली का लुच्चा लफंगा नहीं जो किसी के घर के बाहर वेट करूंगा गाड़ी लगा के। अब भाड़ में जाए दुनिया की सारी लड़कियां। कुछ तो हुआ है आज। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो? हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू? अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। माई, यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्य? तेरी शादी में इच्छा से